नमस्कार दोस्तों, एमसीसी क्लासेस ब्यावरा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों व्यापम का अगला पेपर। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित ऑडियो पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में पृष्ठभूमि पर दी गई आवाज़ का नाम बताइए, मतलब किन्होंने इस पर आवाज़ दी गई है। तो वो कौन है दोस्तों, आपके गिरीश कर्नाड है, याद रखना दोस्तों कौन है, गिरीश कर्नाड। अब एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, कौन सी थी दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर थी, और इनमें आवाज़ दी गई जो ऑडियो था वो किनका था, गिरीश कर्नाड का था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 2014 में पाकिस्तान के एक कार्यकर्ता के साथ नोबेल शांति पुरस्कार के सह प्राप्तकर्ता होने वाले भारतीय का नाम बताइए। तो वो कौन से भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों, तो वो थे आपके कैलाश सत्यार्थी, जिनको मिला था मलाला यूसुफ जाई के साथ में। ये पाकिस्तान की है, ये अपने इंडिया के हैं और इंडिया में एमपी राज्य के विदिशा जिले से हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के द्वारा भारत के सबसे महान वास्तुकार का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों किसको दिया गया है, वो है आपके चार्ल्स कोरिया के द्वारा, कोरिया को। ठीक है, किसको दिया गया, चार्ल्स कोरिया जी को दिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध माधव संगीत स्कूल 1918 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों, यह किया गया था आपका विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा। किसके द्वारा, विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा प्रसिद्ध जो माधव संगीत स्कूल है आपका 1918 में खोला गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भूतपूर्व मध्य भारत के बिलासपुर में पैदा हुए थे और हिंदी एवं मराठी रंगमंच में एक मिसाल बन गए थे। तो वो कौन थे दोस्तों, तो वो थे आपके सत्यदेव दुबे थे। कौन थे दोस्तों, सत्यदेव दुबे थे, इनका नाम याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, 1966 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है दोस्तों। तो उनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है दोस्तों, तो वो उनका आंसर है दोस्तों आपका RCVP, नरहोना प्रशासन एवं प्रबंध की अकादमी। क्या कर दिया गया, नरहोना प्रशासन एवं प्रबंध की अकादमी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है सुकेतु मेहता द्वारा लिखित नॉन फिक्शन पुस्तक मैक्सिमम सिटी किस भारतीय शहर पर आधारित है दोस्तों। तो ये किस पर आधारित है दोस्तों, मैक्सिमम सिटी ये आपके मुंबई पर आधारित है। किस पे है आपका दोस्तों, मुंबई पर आधारित है, मुंबई शहर पर आधारित है पुस्तक। अगला क्वेश्चन इसी के साथ दोस्तों आपका, रामनाथ गोयन का पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है दोस्तों। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, ये पत्रकारिता के श्रेष्ठ में, पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के महान संगीतकार पद्म विभूषण उस्ताद अलाउद्दीन खान में बस गए थे। तो कहाँ बस गए थे दोस्तों, ये मेहर में बस गए थे दोस्तों, कहाँ बस गए थे, मेहर में। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में अप्रत्याशित भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत क्या है जो दुर्लभ और मूल्यवान जड़ी बूटियों और औषधि पौधों से संपन्न है। तो दोस्तों ये याद रखना कितना है आपका, देखते हैं दोस्तों अपन, तो इसका आंसर है दोस्तों आपका 30% से अधिक। कितने प्रतिशत से अधिक दोस्तों, 30% से अधिक होना चाहिए। अगला है आपका, 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक कौन थे दोस्तों। तो कौन थे दोस्तों, वो थे आपके KB हेडगेवार। कौन थे दोस्तों, हेडगेवार जी थे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है, डिजाइनर का नाम बताएं जिन्होंने भारत की सबसे लग्जरी ट्रेन जिसका नाम है दोस्तों द पैलेस ऑन द व्हील्स एंड रॉयल ओरिएंट के आंतरिक भाग की डिजाइन की थी। तो किसने की थी दोस्तों, ये थी आपके मोनिका खन्ना। कौन थे दोस्तों, मोनिका खन्ना थी। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, खजुराहो में प्रत्येक वर्ष लोक रंजन नामक राष्ट्रीय त्यौहार आयोजित होता है जिसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो यह है दोस्तों आपके लोक नृत्य और कला से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपका, भरल सेतल सेला
और अहिराई मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किन जनजाति की पारंपरिक नृत्य शैलियां हैं? तो किसकी है दोस्तों, ये आपकी भारिया जनजाति की है दोस्तों, याद रखना किस जनजाति की है, भारिया जनजाति की। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों, पुरातत्व क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ढोला मारू नामक लोकगीत की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? तो किस राज्य में हुई दोस्तों, ये राजस्थान राज्य से हुई है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं इसकी डेली ही कड़ी लेके आऊँगा। अगला व्यापम का जो भी पेपर है वो मैं आपको इसमें सामान्य ज्ञान बताया जाएगा जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।